हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं दो अध्याय, अध्याय 13 नगरीय निकाय और अध्याय 14 शिक्षा। आज का वीडियो और आज के बाद जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा वो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का आपका आखिरी वीडियो होगा। अब ये क्या है, जैसे आपके टोटल 16 अध्याय है, आज के इस वीडियो में हम दो अध्याय कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें दो अध्याय कवर करके इकोनॉमिक सर्वे को हम यहीं कंप्लीट कर देंगे। देखिए, एक साथ दो अध्याय कंप्लीट कराया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें स्किप की जाइए, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़बरदस्ती के वीडियो लंबा करने के चक्कर में आपका उलझुल की चीज़ें इसमें ऐड करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, दूसरा चीज़, ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट होगा उसके जस्ट नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा वो रहेगा आपका छत्तीसगढ़ बजट। छत्तीसगढ़ बजट जो हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी भी बचा हुआ है, छत्तीसगढ़ बजट 2019-20, और उसके बाद जो एक वीडियो आएगा वो रहेगा आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का अपडेटेड वीडियो। जी हाँ, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ आंकड़े आपको अपडेट कराने हैं। आंकड़े, देखिए मैं करेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अपडेशन की। जो आपके छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में जो नई सरकार के द्वारा कुछ नए आंकड़े उस राज्योत्सव में जो बताए गए हैं, वो आंकड़ों को हम थोड़ा अपडेट करेंगे। अभी पिछले 2-3 महीने में कुछ नए रिपोर्ट्स आए हैं, उसके डाटा को भी अपडेट करना है। तो जो वीडियो से प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने PDF भी लिया हुआ है, आप दोनों के लिए वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बजट के बाद आएगा वो वीडियो, उस वीडियो से सारे आंकड़े आपको अपडेट करने हैं। ठीक, देखिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अध्याय 13 नगरीय निकाय। नगरीय निकाय में सबसे पहले है आपका शहरी छत्तीसगढ़। शहरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की जो आबादी है वो है आपके 2,55,00,000। तो 2,55,00,000 में से आपका 59,36,000 आबादी, 59.36 59,36,000 जो आबादी है वो आपके शहरों में निवास करती है। यानी छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 23.24%, छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 23.24% आबादी आपके शहरों में निवास करती है। इंपॉर्टेंट है, आंकड़े याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मिशन अमृत। मिशन अमृत क्या है, इसका फुल फॉर्म है आपका अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन। इसके अंतर्गत देखिए, जैसे आप सभी को मालूम है कि जो भारत सरकार के द्वारा कुछ भारत के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की आपका एक मिशन चलाया जा रहा था, स्मार्ट सिटी। तो उसी स्मार्ट सिटी के तर्ज पर ये मिशन लाया गया था, मिशन अमृत। देखिए, जो आपका जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी इस मिशन अमृत का एडवांस वर्जन है। देखिए, स्मार्ट सिटी जो मिशन है या स्मार्ट सिटी जो योजना है, उसके अंतर्गत भारत के 100 बड़े शहरों को चुना गया है, 100 बड़े शहरों को चुना गया है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। यह है आपका अमृत मिशन। अमृत मिशन के अंतर्गत भारत के 500 शहरों का आपका चयन किया गया है, 500 शहरों का चयन इस अमृत मिशन के अंतर्गत किया गया है। इस अमृत मिशन का जो प्रारंभ है, यह अमृत मिशन प्रारंभ हुआ आपका 25 जून 2015 से यह अमृत मिशन प्रारंभ हुआ, जिसमें भारत के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले शहरों का चयन इस मिशन अमृत के लिए किया गया। भारत के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले शहरों का, 500 से अधिक शहरों का इस मिशन में चयन किया गया है। देखिए, ये जो आपका जो अमृत जो मिशन अमृत है, इसके अंतर्गत जो आपके शहरों का चयन किया गया, उसमें जल प्रदाय सुविधा, सीवरेज, सेफ्टी मैनेजमेंट, उद्यान और आपका हरित स्थल, यानी जो एक बुनियादी सुख सुविधाएं एक शहरों में होनी चाहिए। देखिए, शहरों की संख्या भारत में बहुत सारे, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर उन्हें डेवलप, जैसे आपका स्मार्ट सिटी के तर्ज पर उन्हें डेवलप किए जाने की इस मिशन के अंतर्गत योजना बनाई गई है, जिसमें बुनियादी सुख सुविधाएं जैसे बिजली आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, परिवहन सुविधा, आपका जो सीवरेज सुविधा, सेफ्टी मैनेजमेंट, ये एक सारी बुनियादी सुख सुविधा युक्त इन शहरों को डेवलप किया जा रहा है। ठीक, तो ये जो आपका मिशन अमृत है, इसके अंतर्गत जो हमारे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के कुल 9 नगरीय निकायों का इस मिशन अमृत के अंतर्गत चयन हुआ है। कितने? 9 नगरीय निकायों का। कॉन्सेप्ट याद नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन याद रखिएगा, 9 नगरीय निकायों का इस मिशन अमृत के अंतर्गत आपका छत्तीसगढ़ के 9 नगरीय निकायों का चयन हुआ है। 9 नगरीय निकाय कौन कौन से है, देखिए, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ और कोरबा। कौन कौन से है? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ और कोरबा। ठीक,
नाम याद रखिएगा, ये प्रश्न आ चुका है आपके व्यापम एग्जाम में। मिशन अमृत के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ के कुल कितने नगरीय निकायों का चयन हुआ है, याद रखिएगा 9 नगरीय निकायों का चयन हुआ है। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल अंत्योदय मिशन। पंडित दीनदयाल अंत्योदय मिशन ये क्या है, ये है आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है। यह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, शहरों में रहने वाले गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। देखिए कि लागू ये जो है लागू कहाँ पर है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रहने वाले शहरी क्षेत्र के गरीबों को आजीविका की सुविधा या आजीविका के साधन उपलब्ध कराना इस मिशन का जो मेन आपका लक्ष्य है। देखिए इसमें लाभार्थी कौन होंगे, पथ विक्रेता, बेघर व्यक्ति और स्वयं सहायता समूह। देखिए पथ विक्रेता जो आपके फुटपाथ में बैठ करके जो व्यवसाय करते हैं वो लोग, बेघर व्यक्ति जो घूम घूम करके व्यवसाय करते हैं वो लोग, और आपके स्वयं सहायता समूहों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक, इसमें जो है आपका आरक्षण, देखिए हर साल आपके जो केंद्र सरकार द्वारा और आपके राज्य सरकार द्वारा ये जो आपका पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए एक राशि आवंटित की जाती है। ठीक, तथा कुछ लोगों को, कुछ संख्या को लक्षित किया जाता है कि इतनी संख्या में लोगों को आपका आजीविका की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो उस लक्षित वर्ग में से जो आपका महिलाओं को, लक्षित संख्याओं में से महिलाओं को आपका 30% का आरक्षण दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ठीक, अल्पसंख्यकों को 15% आरक्षण दिया जाएगा, विकलांग को 3% और आपका SC और ST कैटेगरी को उस शहर में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में उन्हें आपका आरक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी उस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक, वैसे तो इससे कभी प्रश्न आए नहीं है, लेकिन प्रश्न आ सकते हैं इसलिए बता रहा हूँ, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये योजना। ठीक, अब देखिए दो योजना है आपका स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना के नाम से दो योजना है, एक केंद्र सरकार की योजना है, एक राज्य सरकार की योजना है, दीनदयाल स्वावलंबन योजना और एक है आपका मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ये है क्या, समझिएगा, ये क्या है, जो आपका पंडित दीनदयाल स्वावलंबन योजना है ये असंगठित रूप से गुमटी और फेरी वाले परिवार। ठीक, इस योजना के अंतर्गत जो आपके असंगठित रूप से जो गुमटी और जो ठेले वाली परिवार, यानी जो ठेले में व्यवसाय करते हैं, ठीक, गुमटी और जो ठेले वाले परिवार है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत प्रति गुमटी आपका 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, 100% अनुदान। ठीक, 100% अनुदान, 30,000 रुपये की राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। दूसरा है आपका मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, इसके अंतर्गत आपका स्वरोजगार हेतु जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो आपका युवक युवती है उन्हें स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु यहाँ पे दुकान या चबूतरा उपलब्ध कराया जाएगा। दुकान मतलब व्यवसाय करने के लिए दुकान, या अगर कोई बाजार है तो बाजार में एक चबूतरा उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। समझिएगा यहाँ पर क्या क्या है, बड़ी दुकान छोटी दुकान और चबूतरा। बड़ी दुकान के लिए आपका 1,18,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, छोटे दुकान के लिए आपका 98,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जबकि चबूतरे बाजार में चबूतरे के लिए उन्हें 6,500 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, मिशन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इन्हें एक एक बार बताकर खत्म कर रहा हूं, शायद इससे प्रश्न आ जाए, वैसे प्रश्न आया नहीं है अभी तक। जो प्रश्न आया है इस अध्याय से वो अमृत मिशन के अंतर्गत ही आया है और आपके जनगणना वाले टॉपिक में ये परसेंटेज पे आंकड़े आए हैं। अब इधर जो हम शिक्षा वाला पढ़ने जा रहे हैं, इस शिक्षा वाले में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, समझिएगा। देखिए अध्याय चौदह ये है आपका शिक्षा। देखिए ये जो मैंने यहाँ कुछ टेबल बनाया है, कुछ आपके शासकीय और गैर शासकीय कुछ संगठन है उसके लाभार्थी कौन होंगे, क्या उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाएगी और ये जो संस्था है वो कहाँ कहाँ संचालित है, इसे टेबुलेशन फॉर्म में मैंने यहाँ पे बनाया है, समझिएगा। एक्चुअली में जो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल हैं, समझिए। देखिए सबसे पहले एक संस्था है जिसका नाम है आस्था, जो कि नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए निःशुल्क आवासीय गुरुकुल, जो कि कक्षा 1 से 12 तक उन्हें एक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्कूल है, एक आवासीय गुरुकुल है जहाँ पे उनके पढ़ने की, रहने की, खाने की, पीने की, मनोरंजन की एक सारी सुख सुविधा उन्हें प्रदान की जाएगी। आस्था
क्या है ये? देखिए, नक्सल हिंसा से जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है नक्सल आपके जो नक्सलाइट गतिविधियों के कारण, उन अनाथ बच्चों को ये आपके आस्था जो संस्था है उसके द्वारा उन्हें एक आवासीय गुरुकुल सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक। और इन्हें शिक्षक कहाँ से कहाँ तक, कक्षा एक से कक्षा बारहवीं तक की शिक्षा मुहैया कराई जाएगी इस आवासीय गुरुकुल में। ये संचालित कहाँ है? ये आपके दंतेवाड़ा जिले में ये आपकी आस्था संचालित है, यानी वहाँ का एक ये मुख्यालय है, ठीक है, क्षेत्र का मुख्यालय है दंतेवाड़ा। नेक्स्ट है आपका निष्ठा। निष्ठा जो कि शासक द्वारा और हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा और एनजीओ के द्वारा, एनजीओ मतलब गैर सरकारी संगठन, दोनों के संयुक्त प्रयासों से चलाया जा रहा है आपका निष्ठा। निष्ठा जो कि नक्सल हिंसा में प्रभावित क्षेत्र के, नक्सल हिंसा में जो आपके जो नक्सल हिंसा से जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर रहने वाले लोगों या वहाँ पर रहने वाले परिवार के बच्चों को कक्षा एक से बारहवीं तक की पढ़ाई के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश कराने में यह मदद करता है। निष्ठा जो कि शासकीय तथा गैर शासकीय संगठनों दोनों के संयुक्त प्रयासों से यह आपकी जो संस्था है वो चलाई जा रही है, जो कि नक्सल हिंसा से प्रभावित जो परिवार है उनके बच्चों को निजी स्कूलों में कक्षा एक से बारहवीं तक शिक्षा मुहैया कराने के लिए उन्हें निजी स्कूलों में प्रवेश करवाती है ये संस्था, ठीक। देखिए, ये आपकी संस्था संचालित कहाँ है? ये है आपके राजनांदगांव जिला और रायपुर में, दो जगह ये संस्था संचालित है, राजनांदगांव और रायपुर। तीसरा है आपका प्रयास, ये पीएससी का भी पूछा गया प्रश्न है, व्यापम का भी यह पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। दो बार ये प्रश्न आ चुका है, सेम कॉन्सेप्ट, नक्सल हिंसा के से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवार के बच्चों को, नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवार के बच्चों को वो आवासीय विद्यालय तथा विशेष कोचिंग सुविधा, आवासीय विद्यालय तथा विशेष कोचिंग सुविधा मुहैया कराया जाता है। आवासीय विद्यालय मतलब उनके रहने का बंदोबस्त, विशेष कोचिंग सुविधा जो आपके प्रतियोगी परीक्षा है आईआईटी, जेईई, पीईटी, नीट, क्लैट, ये जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा है जो आपकी स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद जो उच्च शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है जैसे आईआईटी, जेईई, आपकी नीट, क्लैट, आपका जो पीईटी, तो ये सारी इसमें इस प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो एक विशेष कोचिंग मुहैया कराया जाता है इस प्रयास के माध्यम से। वर्तमान में हमारे प्रदेश में आपके नौ जगहों पर यह प्रयास संस्था या प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहां कहां पर, समझिएगा। देखिए, रायपुर में दो जगह है, यहां मैंने दो लिखा हुआ है, रायपुर में दो, दुर्ग में एक, बिलासपुर, बस्तर, कांकेर, सरगुजा, कोरबा, जशपुर, कहां कहां पर है? देखिए, रायपुर में दो, दुर्ग में एक, तीन, बिलासपुर चार, बस्तर पांच, कांकेर छः, सरगुजा सात, कोरबा आठ, आपका जशपुर नौ। तो इन नौ स्थानों में आपके इस प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संख्या एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका सहयोग, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवार के बच्चों को बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में मदद करना, ठीक। जो नक्सल क्षेत्र में रहने वाले परिवार के जो बच्चे हैं यदि वो बारहवीं उत्तीर्ण हो गए हैं और उन्हें उच्च शिक्षण संस्थाओं में उन्हें प्रवेश चाहिए तो उन्हें आर्थिक और सामाजिक सहायता मुहैया कराया जाता है इस सहयोग। ये सहयोग एक संस्था बोलिए या एक कार्यक्रम है ये, ठीक, संस्था या कार्यक्रम दोनों कह सकते हैं इसे। ये सहयोग एक कार्यक्रम है जो कि बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में जो आपके उच्च शिक्षा में मदद के लिए उन्हें सामाजिक और आर्थिक दोनों सहायता उन्हें मुहैया कराता है, ठीक। ये जो आपका ये जो सहयोग कार्यक्रम या सहयोग जो संस्था है इसका जो योजना मुख्यालय है ये है आपके दंतेवाड़ा जिले में। नेक्स्ट है उड़ान। उड़ान जो है ये स्पेशली आपके बैगा जनजाति के बच्चों के लिए यह उड़ान योजना है। देखिए, ये एक एनजीओ के द्वारा संचालित है जो कि बैगा जनजाति या बैगा आदिवासी के परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश करवाता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो आपकी जो बैगा जनजाति है वो काफ़ी पिछड़ी हुई है तो इनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराया जा सके करके एक संस्था संचालित है जिसका नाम है उड़ान, जो कि शासकीय और गैर शासकीय यानी एनजीओ दोनों के सहयोग से यह संचालित है। ये जो है बैगा आदिवासी या बैगा जनजाति के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलवाती है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये स्पेशली बैगा जनजाति या बैगा आदिवासी को टारगेट करती है।
नेक्स्ट है आपका एकलव्य, एकलव्य आवासीय विद्यालय। ये जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है, आप सभी सुने होंगे जवाहर, जवाहर नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आप कई बार सुने होंगे। नवोदय विद्यालय कहा क्या है, ये एक आवासीय विद्यालय होता है जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक विद्यालय होता है, जहाँ पे छात्रों के रहने का, खाने पीने, कपड़े से लेकर के आपके शिक्षा, मनोरंजन, सारी सुविधाएं उस स्कूल में उन्हें मुहैया कराई जाती है। तो उसी आपके केंद्रीय जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है, उसी के तर्ज पर जो आपका ये एकलव्य आवासीय विद्यालय, इसका निर्माण किया गया है। ये स्पेशली जो टारगेट है, देखिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ये सभी के लिए है, लेकिन ये जो एकलव्य जो आपका आदर्श विद्यालय है, ये स्पेशली अनुसूचित जनजाति परिवार के बच्चों को आवासीय विद्यालय, उनके लिए एक आवासीय विद्यालय है। ये स्पेशली टारगेट कर रही है आपके अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों को, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को ये एक आवासीय शिक्षा प्रदान कर रही है, आवासीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। ठीक, तो याद रखिएगा जो हमारे प्रदेश में जो एकलव्य आवासीय विद्यालयों की संख्या कितनी है, 25। प्रदेश के 25 जिलों में अभी एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित है। नेक्स्ट है आपका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ये मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के अंतर्गत शामिल केवल एकलव्य तक है, ये अलग से है। ठीक है, ये जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, इसे सेपरेट अलग से याद रखिएगा, ये मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत नहीं है। देखिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, इसके अंतर्गत क्या है, 10 वर्ष से अधिक आयु की बालिका जो कि शाला त्यागी हो, यानी पहले स्कूलों में एडमिशन ले ली है, उसके बाद कुछ कारणों से उसने स्कूल से अपना दाखिला वापस ले लिया या स्कूल उसने छोड़ दिया है, यानी शाला त्यागी, अप्रवेशी जिसने अभी तक स्कूलों में प्रवेश ही नहीं लिया है, ऐसी बालिकाएँ, और अनाथ जिसके माता पिता नहीं है, ऐसी बालिकाएँ। तो 10 वर्ष से अधिक आयु की शाला त्यागी, अप्रवेशी और आपकी अनाथ बालिकाओं को ये जो कस्तूरबा गांधी के जो आपका बालिका विद्यालय है, इसके अंतर्गत 100 सीटर बालिका आवासीय विद्यालय के माध्यम से इन्हें आवासीय शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक, ये भी एक आवासीय विद्यालय है जहाँ पे उनको संपूर्ण सुविधा प्रदान की जाएगी, रहने की, खाने की, आपके कपड़े से लेकर के पढ़ाई, शिक्षा, मनोरंजन, सारी एक आवासीय सुविधा के साथ उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो ये जो 100 सीटर बालिका आवासीय जो विद्यालय है, हमारे प्रदेश में 4 जिलों को छोड़कर बाकी सारे जिलों में ये आपका जो आवासीय विद्यालय है ये संचालित है। कहाँ कहाँ है, देखिए रायपुर, दुर्ग, बालोद और आपका राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव, इन 4 जिलों को छोड़कर, 4 जिले नहीं, इन 4 जिलों को छोड़कर, देखिए 27 जिले हैं, 27 और 4 माइनस करेंगे बचे कितने, 23 जिले, 23 जिलों में आपका यह कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित है। कौन से 4 जिलों में संचालित नहीं है, रायपुर, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव, इन 4 जिलों को छोड़कर बाकी 23 जिलों में आपका यह आवासीय विद्यालय संचालित है। ठीक, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रयास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अगर शिक्षा से संबंधित कुछ लिखने के लिए आता है तो आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, जनजातीय शिक्षा से संबंधित कुछ आता है तो इन चीज़ों को आप अपने एंसर राइटिंग में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अब समझिए विश्वविद्यालय, ये केवल आंकड़े याद करने हैं, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आंकड़े बस याद करते चलिए। हमारे प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है 1, राजकीय विश्वविद्यालय की संख्या है 8 और निजी विश्वविद्यालय की संख्या है 13। आंकड़े बस याद रखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय 1, राजकीय विश्वविद्यालय 8 और निजी विश्वविद्यालय की संख्या है आपका 13। नेक्स्ट है आपका लाइवलीहुड कॉलेज, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, लाइवलीहुड कॉलेज। ये लाइवलीहुड कॉलेज क्या है, जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 लाया गया था, कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा पारित किया गया, और हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने जो छत्तीसगढ़ की युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का कानूनी अधिकार प्रदान किया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने प्रदेश की युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का कानूनी अधिकार प्रदान किया। कब? 2013 में। 2013 में लाया गया था आपका कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013। ठीक, तो इसी अधिनियम के तर्ज पर या इसी कड़ी में क्या हुआ, हमारा जो प्रदेश है, प्रदेश के 27 जिलों में यह लाइवलीहुड कॉलेज खोले गए। ठीक, लाइवलीहुड कॉलेज हमारे छत्तीसगढ़ के सभी 27 जिलों में संचालित है। इस लाइवलीहुड कॉलेज में देखिए, इस लाइवलीहुड कॉलेज में जो बाजार मांग पर आधारित जो आपके रोजगार है, उस रोजगार उसके कोर्स करवा करके, युवाओं को उससे संबंधित कोर्स करवा करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना या उन्हें कंपनियों में उन्हें रोजगार दिलाना, समझिएगा। इसके अंतर्गत कौन शामिल हो सकते हैं? 14 से 45 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस लाइवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षण ले सकता है। देखिए यहाँ 14 से 45 बोला गया है, 18 से 45 नहीं है। 14 वर्ष से कम आयु के जो रहते हैं, 14 वर्ष से कम आयु का जो वर्ग रहता है वह बाल मजदूरी के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 14 वर्ष से अधिक आयु के रखा गया है। ठीक है, या इसे ध्यान दीजिएगा, 18 वर्ष नहीं है यहाँ पे। 14 से 45 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति या कोई भी युवा या युवती वो इस लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत या लाइवलीहुड कॉलेज में जा करके प्रशिक्षण ले करके अपना स्वयं से रोजगार ले सकता है। देखिए इसके अंतर्गत जो कोर्स है, कोर्स 9 सेक्टर्स के 804 कोर्स, 9 सेक्टर्स से संबंधित 804 कोर्स के प्रशिक्षण ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, शैक्षणिक योग्यता क्या है? इस लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश की शैक्षणिक योग्यता क्या है? पीएससी और व्यापम दोनों में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। इस लाइवलीहुड कॉलेज में मिशन के लिए, इस लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं है। ऑप्शन में पूछा गया था 5वीं पास 8वीं पास 10वीं पास या इनमें से कोई नहीं, आंसर लिया गया था इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इस लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कितने जिले में संचालित है? 27 जिले में संचालित है, ये भी पूछा गया है। लाइवलीहुड कॉलेज कितने जिले में संचालित है? तो याद रखिएगा, पूरे के पूरे 27 जिले में यह लाइवलीहुड कॉलेज संचालित है। नेक्स्ट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। हमारे प्रदेश में कुल आईटीआई की संख्या है, देखिए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे प्रदेश में आपका वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की स्थिति में आईटीआई की संख्या है 178 आईटीआई की संख्या है, जिसमें से सर्वाधिक आईटीआई जो है वो है आपका जांजगीर चांपा जिले में, जहाँ पे 12 आईटीआई है, जबकि सबसे कम आईटीआई संस्था है आपका नारायणपुर जिले में, जहाँ पे केवल 2 आपके आईटीआई संस्था है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाधिक आईटीआई कहाँ है? ऑप्शन में बिलासपुर रहता है, मैक्सिमम लोग बिलास करते हैं, लेकिन बिलासपुर नहीं है, ये है आपका जांजगीर चांपा। हमारे प्रदेश में सर्वाधिक आईटीआई कहाँ संचालित है? जांजगीर चांपा जिले में, न्यूनतम है नारायणपुर जिले में, और कुल है आपके 178 आईटीआई संचालित है। नेक्स्ट, सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, समझिएगा, हमारे प्रदेश का जो पहला सीपेट है ये आपका संचालित है भनपुरी रायपुर में, जबकि दूसरा सीपेट खोले जाने की घोषणा की गई है आपकी स्याही मुंडी कोरबा जिले में। कोरबा जिले के स्याही मुंडी में दूसरा सीपेट खोले जाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों जगह का नाम याद रखिएगा, दोनों से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, तो जितने डाटा मैंने बताए सारे के सारे डाटा इंपॉर्टेंट है। नगरीय निकाय वाला पोर्शन जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ये शिक्षा वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ये जो वीडियो है, इसके बाद जैसे मैंने पहले बताया, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का आपका आखिरी वीडियो होगा। उसके बाद आएगा आपका छत्तीसगढ़ बजट 2019-20, उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का एक अपडेशन वाला वीडियो। ठीक, तो वीडियो में बने रहिएगा, जो भी वीडियो आ रहा है उसे कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।